I am Dr. Salma Abdul Sattar, Assistant Professor in Politics, JT Art Science Commerce College for Women, Malegaon. Today, we feel proud to celebrate Martyrs Day, that is Shahid Divas, March 23rd. Dear students, first of all, we would like to salute our martyrs who lost their lives and limbs for the sake of Mother India, for the sake of independence of India. Martyrs Day, Shahid Divas, March 23rd. On this day, we celebrated Martyrs Day. It is celebrated in India on 23 March every year. On this day, Indians pay tributes to the people who had lost their lives in the struggle for India's independence. Every year, various leaders organize events to remember slain freedom fighters. They express their gratitude for the fallen. Dear students, आपको बता दूँ शहीद दिवस इंडिया में जो है दो बार होता है, एक 38 जनवरी को इन द मेमोरी ऑफ महात्मा गांधी शहीद दिवस इज सेलिब्रेटेड एंड 23rd मार्च एवरी ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग दिस डे टू पे ट्रिब्यूट टू अवर मार्टायर्स. It's known that India gained its independence back from Britishers in 1947. But this did not come as easy. Dear students, आपको मालूम है कि Britishers के हम slaves थे, गुलाम थे. But on 15th August 1947, we got independence. तो ये आज़ादी जो हमको मिली इतनी आसानी से नहीं मिली, इसके लिए बहुत कुर्बानियाँ हमको देनी पड़ी. Many people gave their lives in order to get this freedom back. इस खोई हुए आज़ादी को पाने के लिए हमारे बहुत सारे जो है जवान शहीद हुए, बहुत सारे इंडियंस जो उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी. In order to pay homage to these heroes, India celebrates शहीद दिवस. और इनको होमेज देने के लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए, एवरी ईयर इंडियंस वी आर सेलिब्रेटिंग शहीद दिवस इन इंडिया. इट कैन बी नोटेड दैट दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन मेनी डेज इन इंडिया, स्पेशली ऑन मार्च 23rd एंड अनदर डे ऑन जनवरी 38th, विच इज़ महात्मा गांधीज डेथ एनिवर्सरी. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो है मार्टायर्स डे सेलिब्रेट होते हैं इंडिया में, पर इम्पॉर्टेंट जो स्पेशल डेज हम सेलिब्रेट करते हैं वो 23 मार्च यानी आज का दिन और 30 जनवरी जिस दिन महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी होती है. ईच ईयर ऑन दिस डे पीपल टॉक अबाउट द हीरोइक टेल्स ऑफ सच यंग फाइटर्स हु फॉट विद ब्रेवरी एंड वैलोर एंड द टेल्स आर बींग पास्ड अमंग जनरेशंस. यानी इनकी जो दे आर द रियल लाइफ हीरोज़, उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स के तौर पे ये यंग फाइटर्स ने फाइट किया आज़ादी की जद्दोजहद को ब्रेवरी के साथ, जोश के साथ. और इनकी इस जोश और जज्बे को जो है हम सलाम करते हैं. और इस इनकी जो कहानियां हैं, बहादुरी के किस्से हैं, वो आगे आने वाली जनरेशन मतलब आप तक पहुंचाना हम सबकी ज़िम्मेदारी है. साथ ही साथ जो है हम सबको आपको हम जिम्मेदारी दे रहे हैं कि आगे आप अपकमिंग जनरेशन को ये चीज़ें पहुँचाइए. इट इज़ आवर ड्यूटी. अभी हम देखेंगे कि वाई दिस डे इज़ सिग्निफिकेंट टू सेलिब्रेट एज शहीद दिवस. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, ऑन मार्च 23rd द थ्री फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह, शिवराम राजगुरु एंड सुखदेव थापर, हुज नेम आर नोन बाय एवरी इंडियन रेसिडेंट. ये तीन नाम ऐसे हैं जो शहीद आज़म हैं और इनके नाम हम सबको जानना हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ है. दे वेयर हैंग्ड टू डेथ बाय ब्रिटिशर्स. 23 मार्च को वो काला दिन था जब इनको जो है फांसी पे चढ़ा दिया गया अंग्रेजी साम्राज्य के जरिए. दीज हीरोज फॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड सेक्रीफाइज्ड देयर लाइव्स फॉर द सेम कॉज. फॉर मेनी यंग इंडियंस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हैव बिकम ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ कि रियल लाइफ के हीरोज़ तो बहुत सारे हैं, रियल लाइफ हीरोज़ ये यंग जो फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अपनी जो है आज़ादी की जद्दोजहद में अपनी जानें कुर्बान कर दी इस नेबल कॉज के लिए. तो इन लोगों के लिए जो है हमको सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन लेना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए कि किस तरह से इन्होंने अपनी
जाने कुर्बान कर दी, कुर्बानियां देकर। हम उन तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन कुछ हद तक उनके बताए हुए रास्ते पर चल के उनको सही खराज अकीदत तो पेश कर ही सकते हैं। इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रोल देयर सक्रीफाइस अर्ज्ड मेनी पीपल टू कम फोर्थ एंड फाइट फॉर द देयर फ्रीडम। ना सिर्फ ये लोग जो है हमें आज जो इंस्पायर कर रहे हैं, बल्कि उस वक्त भी ब्रिटिश रोल में बहुत सारे लोग इनसे इंस्पायर्ड हुए थे और आज़ादी की जद्दोजहद में आगे आए और आज़ादी की जद्दोजहद की। देयरफॉर इन ऑर्डर टू होमेज टू द थ्री ऑफ दीज रिवोल्यूशनरीज, इंडिया हैड कमेमोरेटेड मार्च 23rd एज शहीद दिवस। और इन शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए 23 मार्च को इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया शहीद दिवस के नाम पे। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको जो है मैं बताती चलूँ कि व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड देयर सेक्रीफाइस। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने ये सेक्रीफाइसेस दिए, तो क्या जो है स्टोरी थी कि जिसकी बिना पे ये डे जो है हम लोग उनको खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। तो इट इज़ नोट डैट लाला लाजपत राय वॉज असासिनेटेड, शेर पंजाब उनका असासिनेशन हो गया, और उस बात को ले के विच लेड भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आज़ाद एंड सम अदर्स टू फाइट फॉर इट। ये सारे नौजवान लड़के आगे आए और उन्होंने लाला लाजपत राय के लिए बदला लेने की ठान ली। एंड दे दीज ब्रेव मैन वुड परफॉर्म सम डार्क टास्क, कुछ जो है इन्होंने खुफिया काम भी अंजाम दिए। ऑन अप्रैल 8, 1929 दे थ्रू बॉम्ब्स ओवर द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने फिर बॉम्ब जो है फेंका स्टेट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर और उसको ब्लास्ट कर दिया। एज दे केप्ट सेइंग इनकलाब जिंदाबाद, और उस वक्त जो है इन लोगों की ज़बान पे एक ही नारा था, इनकलाब जिंदाबाद। और हम देखेंगे फिर जो है राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, दे वेयर अरेस्टेड एंड वेयर चार्ज्ड फॉर मर्डर। उनको अरेस्ट किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से और उनको मर्डर का चार्ज दिया गया। और इन 1931 दे वेयर हैंग्ड 1931-23 मार्च को इन लाहौर जेल उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। एंड देयर क्रिमेशन सेरेमनी वॉज परफॉर्म्ड एट द बैंक्स ऑफ सतलज रिवर। फांसी के बाद उनका लास्ट जो फ्यूनरल क्रिमेशन सेरेमनी जो की गई वो सतलज लिवर के किनारे की गई। एंड टिल नाउ इन देयर बर्थ प्लेस शहीदी मेला और मार्टायरडम फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन हुसैनवाला और इंडो पाक बॉर्डर। और आज भी उनकी याद में उनकी बर्थ प्लेस के ऊपर शहीद मेला और मार्टायर्स फेयर जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है इस हिंदुस्तान में। और हम जो है इस शहीद दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमको याद रखना चाहिए के शहीद दिवस जो है मार्टायर्स डे, इस डे को जो है हम इंडियंस जो है ट्रिब्यूट पेश करते हैं टू द पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन द स्ट्रगल फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। एवरी ईयर वेरियस लीडर्स ऑर्गेनाइज इवेंट्स टू रिमेंबर स्लेन फ्रीडम फाइटर्स हु दे एक्सप्रेस देयर ग्रैटिट्यूड फॉर द फॉलन। एंड इन द लास्ट आई फील ऑनर्ड टू शेयर माई व्यूज विद सच एलिट गैदरिंग। थैंक्स ए लॉर्ड, हैव ए वंडरफुल डे।